अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने देखे थे खत के खत पर वाके नुक्ते से इस खत पर उमूद खींचना। उसमें पहले हमने देखे थे गुनिये की मदद से किस तरीके से हम उमूद दिए हुए खत के ऊपर खींच सकते हैं। अब इस दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि चांदे के इस्तेमाल करके हम किसी खत पर उमूद किस तरह खींच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक खत लेना है। कोई भी खत आप खींच सकते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू। ये खत पी क्यू हमारा तैयार हो गया। अब इस खत पी क्यू के ऊपर कहीं भी हम एक नुक्ता लेंगे, जिसका नाम हम देंगे नुक्ता आर। इस नुक्ते का नाम हमने दिए नुक्ता आर, यानी पी क्यू खत के ऊपर हमने एक नुक्ता लिए नुक्ता आर। अब इस नुक्ता आर से हमें इस खत के ऊपर उमूद खींचना है, लेकिन हमें इस्तेमाल करना है चांदे का। आप लोग जानते हैं आपके कंपास बॉक्स के अंदर इस तरीके इस शक्ल का एक आला होता है, इसे हम कहते हैं चांदा। अब इस चांदे का मरकजी हिस्सा यानी मब्दा हम क्या करेंगे कि नुक्ता आर के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि बच्ची की जो लाइन है इसकी ये पूरी तरीके से इस खत पर मुंतबिक हो जाए। इसके बाद हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म की पैमाइश हमको चांदी के ऊपर नजर आ रही है। इस पैमाइश के ऊपर 90 दर्जे का जहां पर जाविया बनता है या 90 दर्जे जहां लिखा है वहां पर हम एक नुक्ता लेंगे और इस नुक्ते का नाम हम एस दे देंगे। इस नुक्ते का नाम हमने दे दिया एस। अब स्केल की मदद से हम नुक्ता आर और नुक्ता एस इसको मिला देंगे। ये खत तैयार हो गया, खत आर एस। अब ये खत आर एस जब बना तो हमको पता है कि ये जावी की पैमाइश हमने 90 दर्जे ली, इसीलिए इस जावी की पैमाइश भी अगर आप करेंगे तो ये भी आपको 90 दर्जे आएगी। ये जाविया भी 90 दर्जे का और ये जाविया भी 90 दर्जे का। आप अपनी बयाजों के अंदर इस तरीके से शक्ल बनाकर इसको देख सकते हैं। अब जब चारों जाविये 90 दर्जे के आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि खत आर एस जो रहेगा वो खत पी क्यू के ऊपर उमूद बन जाएगा। इस तरीके से चांदे का इस्तेमाल करके हम खत के ऊपर उमूद बना सकते हैं।